That tag आपके साथ आजकल बहुत associate हो रहा है कि सुशांत is Mr. Experimentalist and all that. हाँ ये आपको क्यों लगता है आपके तो जैसे चिपक गया? मुझे लगता है क्योंकि मैं बहुत अलग अलग कैरेक्टर्स कर रहा हूँ और मजा भी तभी है जब आप अलग अलग कैरेक्टर्स करते हैं और आप इम्प्रूव भी तभी होते हैं जब आप एक्सपेरिमेंट करते हैं. अच्छा, जब मैं कॉलेज में था और केमिस्ट्री लैब में एक्सपेरिमेंट नहीं कर पाया तो मुझे रियलाइज हुआ कि मुझे एक्सपेरिमेंटलिस्ट बनना चाहिए और वो मैं अब इसमें एक्टिंग में आके पूरी कर रहा हूँ. अच्छा, आप पूरा कर रहे हैं. सो यू लाइक पिक एंड चूज. नहीं, ये बहुत डिफरेंट नहीं हो रहा है, बहुत रेगुलर. मेरे को झाड़ों के पीछे नहीं नाचना है. नहीं ऐसा नहीं. मुझे नाचने में बहुत अच्छा लगता है, मुझे फाइट वाइट करना भी बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जिस अगर कोई ऐसी फिल्म मिल जाए जो कि अलग भी हो और उसमें ये सब भी हो तो मैं सबसे पहले वही करूँगा. अच्छा, ओके ओके ओके. बाहर है ना अभी एक छोटा सा आर्ग्यूमेंट हुआ. एक बांग्ला दादा है हमारे ऑफिस में और बड़ा ब्योमकेश नहीं बोलने का, ब्योमकेश ही बोलने का. तो व्हाट इज द राइट प्रोनाउंसिएशन? मेरी फिल्म में तो ब्योमकेश है. ब्योमकेश, ओके. ब्योमकेश मेरे साथ है बख्शी साहब. A very old character, reviving this old character. DD में सबने देखा हुआ है. जी, आपने देखा हुआ है? बिल्कुल. कितने एपिसोड देखे? बस सारे ही देख लिए, लेकिन फिल्म करने के बाद देखे, पहले नहीं देखे मैंने. ये this is his new approach these days. ये ऐसा क्यों करता है एक्टर? क्योंकि जब आप देखते हैं ना तो फिर आप उसको कॉपी करने लगते हैं और क्योंकि जो है ये स्टोरी इतनी नई है, अलग है. मतलब दिवाकर में उन्होंने इस स्टोरी के साथ पिछले बहुत सालों से रहे. इतना नया नई तरीके की अप्रोच है इस फिल्म को लेके कि वो डाइल्यूट नहीं करना चाहते थे हम मैं किसी को देखूं और इम्प्रेस होके फिर सबकॉन्शियसली इमिटेट करने लगूं. इसलिए उन्होंने कहा कि चलो कहानी पढ़ते हैं लेकिन कुछ देखते हैं. ब्योमकेश बख्शी जो है he's a detective of sorts. ठीक है, डिटेक्टिव इन धोती. यूजली क्या है हमारे जितने भी पुराने हमने पिक्चरें देखे वो गन एंड जेम्स बॉन्ड ऑल दैट. वेरी डिफरेंट लोग, वेरी डिफरेंट लोग ना. रेट्रो लोग, ये रेट्रो बनाना बहुत डिफिकल्ट होता है ना. बहुत देर रुको मेकअप के लिए, पुराना सेट लग रहा है, 80 घंटे लग रहे हैं. कमाल की बात ये है ऋषि के मैंने ऐसे ही सोचा था कि ऐसे कुछ होगा, लेकिन क्योंकि दिवाकर ने मुझसे 4-5 महीने पहले तो इसकी प्रिपरेशन में कराई. तो जैसा मैं फिल्म में दिख रहा हूँ वैसा मैं था उस समय और जो भी प्रोडक्शन डिजाइनर था और सबने मिलके सेट वेट जो है पहले से तैयार किया. 2.5 साल पहले से काम चल रहा था. तो हर वो चीज जो फिल्म में दिख रही है वो उस समय वैसी ही थी. किसी में कुछ मेहनत भी लग रहा था. It was there like that. 2.5 साल से बन रहा है क्या? मतलब होमवर्क क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, तो 70% जगह तो सही है हम शूट कर रहे हैं. बाकी जो 30% जगह पे जब हमने सेट लगाया है मुझे ऐसा लगा कि मुझे अपने आप को कन्विंस करना पड़ेगा यार ये तो कलकत्ता नहीं है लेकिन सेट है. बिल्कुल कलकत्ता था. 1943 का कलकत्ता. ये किधर बना था ये सेट? ये मुंबई से थोड़ी सी दूर. अच्छा, ये कॉफी शॉप दिखाया बहुत पुराना था. वो असली हाँ, ये मेरे को जानना था. दिवाकर पूरा कॉफी शॉप के बारे में इंटरव्यू दिया. कॉफी शॉप, लाल बाजार, प्रेसिडेंसी कॉलेज, कॉलेज स्ट्रीट, ये सब वैसा ही है. आज भी वही हैंगओवर है वहाँ पे जो 1943 में था और वो बिल्कुल रियल है फिल्म.